बागेश्वर धाम की। यही बागेश्वर धाम और सनातनी संस्कृति और बागेश्वर बालाजी की कृपा है। विषय यह है कि हम लोग अपने सनातन और अपने हनुमान जी को छोड़कर के दूसरे धर्मों के यहाँ पर जाते हैं और अपने सनातन की ताकत तो देखो कि कोई भी धर्म हो अगर इनके पास श्रद्धा पूर्वक आ गया तो वो कृपा पा करके जाता है। और ये नहीं कि परसों कृपा होगी या अगले दिन कृपा होगी, तत्क्षण कृपा होगी। यही बागेश्वर बालाजी की कृपा का चमत्कार है। बोलो सन्यासी बाबा की। एक और हमने बालक बुला रखा था, चोटी वाला सीताराम जी। तुम तो हिंदी लग रहे हमें भाड़ में, हमारी भर नो अंग्रेजी सीख पाए। कोई अगर हमारी सहायता कर दे अंग्रेजी सीखने में तो देखो फिर हम 5,000 अंग्रेजन की ठटरी बार दें। एक साथ नज़दीक आओ। कहाँ के हो भैया, यहाँ कब से हो? यहाँ 2.5 साल हो गए गुरुजी। क्या करते हैं यहाँ? मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता हूँ, कभी काम मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, तो बस ऐसे ही। अभी तक तो 2.5 साल में भी कोई तरक्की नहीं हुई है। अरे राम राम, लिख लें हम पूरा जी, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। पूछो। पहला प्रश्न गुरुजी मेरे परिवार के लिए है, जो मेरे माताजी पिताजी और मेरे प्रति, यह है कि काफ़ी देर से परेशानी चल रही है। जैसे कभी माताजी को एक बीमारी छूटती है तो दूसरी पकड़ लेती है, पिताजी बीमार हो जाएंगे, कभी मैं बीमार हो जाता हूँ, तो ऐसे ही चल रहा है। मैं ठीक होता हूँ तो माताजी बीमार है, माताजी ठीक होंगी तो मैं उनको ऑपरेट करवाया पहले, फिर से। क्या नाम है आपका? अतुल शर्मा जी। और पूछो। तो ऑपरेट करवाने के बाद फिर वही प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर अभी उसके बाद में भी संतान के बारे में भी पूछना, वो भी ट्राई कर रहे हैं काफ़ी देर से। तो जिसके पास भी घर वाले जाते हैं, उन्होंने कोई ट्राई नहीं छोड़ी, कभी किसी के पास जाते हैं झाड़ा लगवाने, कभी किसी के पास। मन अशांत है, सभी बीमार हैं, कृपा नहीं हो रही है, काम भी रुक रहा है, साधना में भी मन भटक रहा है। आप साधना मार्ग में भी हैं? हाँ जी, भटक। यस नो, मैं करता हूँ, कहीं कहीं हाँ, पहुंच जाता हूँ। साधना में भी मन भटक रहा, 2019 से हैरान है। संतान की अर्जी लेकर आए, बहुत तंत्र का प्रयोग करवा लिया है। आपके घर के बरम बरम देव की शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, जो आपके पूरे परिवार पर उपद्रव कर रही है। चिंता ना करें, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, संतान योग 2 वर्ष बाद बनेगा। वह साधना में मन आज से नहीं भटकेगा। तंत्र परिवारजनों द्वारा जो प्रयोग करवाया था, जिसको लेकर के बीच में आपका क्लेश मचा था। जी बिल्कुल। यस नो, जी बिल्कुल सही है। परिवारजनों द्वारा जो तंत्र करवाया था, जिसको लेकर के बीच में क्लेश बना था, वो तंत्र कट चुका है। अब परिवार वालों के पीछे ना पड़ें, अपनी स्वयं सुरक्षा के ऊपर काम करें। कुल में तुम्हारे देवी है, देवी का हवन करवाएं और देवी माता को श्रृंगार चढ़ावें। आज से ही कृपा होनी प्रारंभ होगी। पत्नी को पेट में पीड़ा बनती है, पेट की पीड़ा से पत्नी परेशान रहती है, बीच बीच में आराम लग जाता है, एक बार गर्भस्थ समस्या भी बनी है, जिसे कहते हैं मिसकैरेज की स्थिति। मिसकैरेज हुआ है एक बार, संतान में मसान नामक शक्ति ने उस पर प्रभाव किया था। नंबर 2, माता के पिताजी को शरीर में पीड़ा, पैर में पीड़ा, पसीना में दिक्कत, बेचैनी बनना, शुगर की समस्या, शुगर की बीमारी घेरे हुए हैं। आप यहाँ पर किसी के साथ आए थे, अब सेल्फ डिपेंडेंट काम देखने लगे, उसके बाद वर्तमान में कर्ज की स्थिति बन रही है, जिससे मन उचट रहा है। 2-3 गुरुओं से भी मार्गदर्शन लिया, ऑनलाइन पूजा साधना भी करवाई, उसका 10 परिणाम भी 0 हुआ है। वहाँ पर एक मकान का काम भी आप पूर्ण करना चाहते हैं, अलग से अपने लिए करना चाहते हैं, जो 3 वर्ष बाद योग बनेगा। और आगे चल करके आप अंकुर नाम के व्यक्ति से सावधान रहें, वो फिर से तंत्र विद्या करवाएगा। आशीर्वाद। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। यस नो, बिल्कुल सही है गुरु जी। कोई संदेह नहीं गुरु जी।
कोई संदेह? कोई संदेह नहीं अभी। यहाँ पहले से बताए आप? किसी को नहीं बताया। मन में राम नाम का जप करो, धाम पर माता पिताजी को भेज दो, आज से ही कृपा हो जाएगी। जी, चिंता ना करें। आशीर्वाद। धन्यवाद गुरु जी। बागेश्वर धाम की जय। और जो ब्रह्म यानी पूर्वज ब्रह्म शक्ति आई है, ये मोहन नाम है इनका, ये घूम रहे हैं। मोहन राम नाम है, दद्दू कहलाते थे। ठीक है मैम, माता जी। हाँ अभी पूछो। अभी कौन? हाँ कॉल करो। दद्दू कौन कहलाते थे? दद्दू मोहन नाम। पितर कौन चाहिए? दद्दू हाँ हो गया, लॉक कर दो, बंद कर दो। हो गया निराकरण? कोई संदेह है अब? नहीं गुरुजी, कोई संदेह नहीं। आशीर्वाद जी। बहुत बहुत भाई, ऐसे हमने बोल दिया और तुम चले गए। लोगों को लगेगा गुरुजी ने ऐसे ही बोल दिया है, निपटारा करके जाओ। और अब तुम बेटा कवच ले जाना रविवार को आके, और तुम ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। और अन्य अन्य साधनाओं में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुच्छ साधनाएं ना करके सिर्फ श्री सीताराम नाम की साधना करो। नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। वो पढ़ो गुरु मंत्र से, तो कोई द्रोह नहीं है। गुरु मंत्र ही तो सर्वकारी होता है, वो तो कवच है। गुरु मंत्र मतलब कवच, जिस पे गुरु कृपा होती है उसको कवच होता है। लेकिन राम नाम की साधना से बड़ा कोई साधना नहीं। और हम अपना निजी अनुभव बता रहे हैं तुम सबको, हमारे पास कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ राम नाम है। जाओ, मूर्ख तो नहीं बन गए हो? जाओ, यू कैन गो। माई इंग्लिश इज वेरी फास्ट। बोलो सीताराम।